खाजूवाला पंचायत समिति की 31 ग्राम पंचायतों के पंचायती राज चुनाव चौथे चरण की 10 अक्टूबर को होंगे। सिंचित इलाके की ग्राम पंचायत 34 केवाईडी में चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों से शुरू किया गया है। गुरुवार को नामांकन वापसी की अंतिम दिन था। ऐसे में 34 केवाईडी से 3 उम्मीदवार मैदान में डटे हुए हैं। 40 केवाईडी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके मांगीलाल मेघवाल इस बार 34 केवाईडी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। मांगीलाल मेघवाल का कहना है कि ग्राम पंचायत में अनेक विकास कार्य करवाने हैं, इस बार विकास कार्य ही मुख्य मुद्दा है। विकास कार्य के नाम पर ही वोट मिलेंगे। सिंचित इलाका होने के साथ साथ नहर में जमा मिट्टी तथा शुद्ध पेयजल की मुख्य समस्या सरपंच उम्मीदवार मांगीलाल मेघवाल द्वारा प्राथमिकता से पूर्ण करवाने का आश्वासन ग्रामीणों को दिया गया है। शिक्षा, चिकित्सा, आवासीय पट्टे, गाँव में GLR विद्यालय संबंधित अनेक विकास कार्य के नाम पर इस बार गाँव की सरकार चुनी जाएगी। सरपंच पद के उम्मीदवार मांगीलाल मेघवाल ने संवाददाता से बात करते हुए जानकारी दी। इस ग्राम पंचायत में आज भी शुद्ध पेयजल यहां के ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। सिंचित इलाका होने के साथ ही डार्ट कवरिंग की एक भी बड़ी समस्या नजर आ रही है। बात करें तो भूमि आवासीय पट्टे व चिकित्सा व शिक्षा के इस क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित नहीं होने के कारण भी यहाँ के मतदाताओं में कहीं न कहीं आक्रोश भी है। इस समय हम ग्राम पंचायत 34 केवाईडी में खड़े हैं, जहाँ हमारे साथ यहाँ पे अनेक मतदाता भी मौजूद हैं। एक गांव की सरकार चुनेंगे, यहाँ पर सरपंच उम्मीदवार मांगीलाल मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, COVID-19 एक बड़ी चुनौती रहेगी, आप किस तरीके से अपील कर रहे हैं मतदाताओं को? मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि COVID-19 के चलते सभी मतदाता मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और जब भी एक दूसरे से मिलें तब हाथ कम से कम मिलाएं, सैनिटाइजर से अपने हाथों को साफ करें और उचित दूरी बनाए रखें। इसी प्रकार हम COVID-19 बीमारी से राहत पा सकते हैं या निजात पा सकते हैं। आप 40 केवाईडी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं, 5 सालों का आपके पास अनुभव भी है। 34 केवाईडी में आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी अगर आपको 10 अक्टूबर के मतदान के दिन आपको सरपंच बनाती है जनता? तो बिल्कुल, मेरी पहली प्राथमिकता विकास है। मैं विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं विकास करवाऊंगा, जनता के साथ रहूंगा। इस क्षेत्र में मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र की भारत पाक सीमा पर बसी हुई पंचायत है, यहाँ हर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यहाँ पर अंतिम छोर पर बसे किसानों के लिए सिंचाई पानी भी कम मिलता है, नहरों में अधिकतर सिल्ट सफाई का भी एक समस्या रहती है। मैंने एक बार प्रयास करके सिल्ट सफाई का काम भी करवाया था, उस दौरान 2 साल तक अच्छा पानी चला और किसानों को अच्छी फसलें भी मिली। तो मेरा यही है कि मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो लोगों को मिले। गांव के अंदर बैंक की सुविधा नहीं है, गांव में जैसे SBI या ग्रामीण की एक शाखा होनी चाहिए। ग्राम पंचायत में स्कूलों को क्रमोन्नत करने का भी मामला है। मैं चाहता हूँ कि स्कूल 12वीं तक का है कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत 34 KYD के अंदर खाजवाला के एकमात्र शहीद ओम प्रकाश जी बिश्नोई की का समाधि स्थल भी हमारी ग्राम पंचायत 34 KYD मूर्ति स्थापना हो और उन शहीद के नाम पर स्कूल का नाम भी हो और उन शहीद के नाम पर ग्राम पंचायत का विकास भी हो, यही मेरी प्राथमिकता है। नरेगा के अंदर लगातार इस क्षेत्र के अंदर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, आम आदमी तक उनकी पैसे नहीं पहुंच रहे, ये भी एक ग्रामीणों की समस्या है। और बात करें तो GLR नहीं है, शुद्ध पेयजल के नाम पर यहाँ पे ट्यूबवेल भी नहीं है और शुद्ध पेयजल इनकी मांग है। हमने ग्राम पंचायत 34 KYD को सांसद आदर्श ग्राम पंचायत योजना के तहत चयन करवाया है, जिसके तहत हर प्रकार की मूलभूत सुविधा का विकास होगा। यहाँ मैं नरेगा योजना की बात करूँ तो ग्रामीण क्षेत्र में नरेगा योजना एक अच्छी योजना है, जिससे लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इस नरेगा योजना से अच्छे विकास भी हो सकते हैं, ग्रामीणों को रोज़गार मिले, उनको अपने हक का पूरा पैसा मिले, इसके लिए मैं पूरा प्रयत्न करूँगा और ग्रामीणों को विकास भी हो और उनके मजदूरी के लिए पूरे पैसे भी मिले, इसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा। ग्रामीण क्षेत्र में सड़कें बने, डामर सड़कें बने और शुद्ध पेयजल मिले, मेरी प्राथमिकता है कि शुद्ध पेयजल के तहत हर गांव के अंदर घर घर पानी सप्लाई हो, टूटी सप्लाई हो, जिसके तहत मैं प्राथमिकता से काम करूँगा। हर गांव के अंदर पानी पाइपलाइन बिछा करके हर घर तक नल द्वारा पानी पहुँचे, ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र से देखा जाए तो आज भी इन पंचायतों में शिक्षा का वो स्तर नज़र नहीं आ रहा है ताकि इन क्षेत्र की महिलाएँ आगे बढ़ सके, बच्चियाँ आगे बढ़ सके। शिक्षा के क्षेत्र में मैं
मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमारे जो युवा है वो शिक्षा की पूरी मूलभूत सुविधा नहीं होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मेरी यही प्राथमिकता रहेगी, इसके तहत शिक्षा के अंदर नई ऊर्जा के साथ सभी को साथ लेकर के अच्छा विकास करवाया जाए, स्कूलों को क्रमान्वित कराया जाए, स्कूलों के अंदर पूरा स्टाफ हो उसके तहत ही पूरा काम किया जाए शिक्षा के अंदर। जैसे मैं चाहता हूँ कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में एक प्रशिक्षण सेंटर हो जिसके तहत हर प्रकार की किसी भी वैकेंसी के लिए हमारे युवा काम कर सके, यहीं पर तैयारी कर सकें ताकि वो आगे बढ़ने का उनका मौका मिले। 34 केवाड़ी ग्राम पंचायत सरपंच पद के उम्मीदवार मांगीलाल मेघवाल का कहना है कि इस क्षेत्र के अंदर बहुत ऐसी समस्याएं हैं जिसका जल्द से जल्द हम समाधान कराना हमारा प्रथम कार्य रहेगा। उन्होंने कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बच्चियां इस क्षेत्र से पढ़ सके ऐसी विद्यालय क्रमान्वित की जाए। शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ चिकित्सा व ज़्यादातर सिंचित इलाके के होने के कारण डाट कवरिंग, खाले के अंदर मिट्टी आना और नहर की सिल्ट निकालना भी एक बड़ी समस्या है। सरपंच बनने के बाद जल्द इन समस्याओं को हल किया जाएगा। 10 अक्टूबर को चुनाव होने हैं तो उम्मीदवार मैदान में है, चुनाव का बिगुल बज चुका है, जोर शोर से प्रचार भी शुरू है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, तो इस समय मतदाता आप देख सकते हैं जगह जगह प्रचार भी कर रहे हैं। खेतों में काम ज़्यादा होने के कारण प्रचार में अभी तक वो गति नज़र नहीं आ रही है, हालांकि एक दो दिन में प्रचार भी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। टुडे 24 के लिए सुरेंद्र डेलू, बीकानेर।